Hey everyone, welcome to my YouTube channel Study Shift with Prati. मेरे इतने वीडियोस बनाने के बाद भी स्टूडेंट्स keep asking me कि CBSE क्या गलत आंसर लिखने पर भी मार्क्स देने वाला है. So here in this video I'm gonna tell you that CBSE किस तरह की मार्किंग करेगा. Well, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे. पहली बात ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, ओके, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि CBSE बोर्ड उसमें स्टेप वाइज मार्किंग देता है. ऐसा है कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, यू विल गेट मार्क्स. माइट बी पॉसिबल आपका आंसर गलत हो तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी स्टेप मार्किंग की जाती है तो यानी कि आपको वो नंबर तो मिलने ही मिलने हैं. अब बारी आती है अदर सब्जेक्ट. ओके, सो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सच सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स. इन सब्जेक्ट में आपका आंसर अगर गलत होता है तो आपको मार्क्स थोड़े बहुत जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टूडेंट कंप्लीटली गलत नहीं लिखता है इन सभी सब्जेक्ट में. हिस्ट्री में मैंने कुछ आंसर लिखा है, दे आस्क मी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मैं उसका आंसर भी लिखती हूँ. तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसको कुछ भी पता ना हो सब्जेक्ट से, राइट? लाइक उसको पता तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. तो इस हिसाब से देखा जाए थ्योरेटिकल एग्जाम में यही फायदा हो जाता है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को नंबर मिल जाते हैं ना कुछ आते हुए भी, क्योंकि आंसर ही इतने ज्यादा लेंदी होते हैं. आपने 2 से 2.5 पेज में लिखा है तो ऐसा तो है नहीं है कि आपको सभी के लिए मार्क्स काट दिए जाएंगे, आपने गलत लिखा है. नहीं, आपको मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. लेकिन बाकी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि मैथ्स हो गया तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है आपकी, और ये भी है आपका आंसर गलत तो गलत. वेल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन CBSE बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स. अगर आप अदर बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर किसी और बोर्ड से हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स दिए जाए नहीं दिए जाए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई नो दैट यूपी बोर्ड का और CBSE बोर्ड का मैथ्स के मामले में जो चेकिंग का सिस्टम है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है. सो डोंट आस्क सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. यू वोंट बिलीव कि मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है ऐसे क्वेश्चन से कि मैंने आंसर ये गलत लिख दिया तो मिलेंगे ये नंबर या नहीं मिलेंगे. सो यहाँ पे फिर से मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन योर आंसर, उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कभी भी आपके मार्क्स पूरे नहीं काटे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो ही पता चला. आप बात कर रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का था एंड आप ये पूछ रहे हैं कि उसमें नंबर मिलेंगे या नहीं, मैंने 2 गलत लिखा है, तो आपको उसमें बेशक नंबर नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि आपने गलत लिखा है और 1 मार्क में क्या आपको नंबर दिए जाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इनटू दिस वीडियो. इन केस यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब स्टडी शिप विद प्रति टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो.